आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं आपके पीएससी और व्यापम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपका भारत का संविधान यानी कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप एसआई की तैयारी करें, हॉस्टल वाला ने तैयारी करें, एडीओ की तैयारी करें, अमीन पटवारी की तैयारी करें, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप सभी के लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी को मालूम होगा भारत का पहला जो राष्ट्रपति है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम पूछा गया है कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत में राष्ट्रपति के लिए कम से कम 30 साल। कितने साल? 30 साल। ठीक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा अगर आप लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो। चलिए, नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति एक महीने की जो सैलरी है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है सैलरी वगैरह से, वेतन भत्ता वगैरह से, है ना? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति एक महीने की जो सैलरी है कितनी है? तो आप सभी को मालूम होगा 5 लाख रुपये। ठीक है, कितने हैं? 5 लाख रुपये। जबकि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी को मालूम है जो कार्यपालिका का भारत में पूछा गया है और अध्यक्ष के बारे में बात करें तो आपका राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो आपके आंसर बी है। उसी प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, वो भी राष्ट्रपति। जब भी कार्यपालिका से संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा आप सीधा डायरेक्ट आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपका आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधान होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है क्या होता है? प्रधान होता है, मुखिया होता है। तो जहां आपका आंसर ऑब्जेक्टिव दिया है राज्य का प्रधान, तो आपका आंसर ए होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का कौन प्रमुख नागरिक होता है? तो देखिए, जो संविधान में जो प्रमुख नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति ही होगा, जो आपके आंसर ए है। उसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर आपका कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा, जो आपके भारतीय संविधान के अनुसार देश का तीनों सेना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति होता क्या है? एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रपति होता है आपका संवैधानिक अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है, आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लगाएंगे संवैधानिक अध्यक्ष। भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री आप सभी को मालूम है नीलम संजीव रेड्डी, जो आपका आंसर भी होगा। ठीक है, और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करते हैं तो एक्सप्लेन देखिए ध्यान से, नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कितने वर्ष? 64 वर्ष की आयु में भारत में सबसे कम आयु के नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, जितने भी है सब राष्ट्रपति है। और देखिए, जो एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिएगा कोई एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लग सकता है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, है नहीं? कोई सीमा नहीं है, जब भी चाहे तब भी लड़ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है?
तो देखिए ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति 54 आर्टिकल नंबर, ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी जो विवाद होता है आपका उच्चतम न्यायालय, क्या उच्चतम न्यायालय, आंसर डी निदेशित होता है। अब भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी को मालूम है वी गिरी, ठीक है, कौन है वी गिरी जो भारत के चौथवें राष्ट्रपति हैं। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा, आप सभी के लिए प्रश्न है, जल्दी से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर क्लास अटेंड कर रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा फटाफट, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, फटाक से कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री था, तो पहले पूछा है केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह, कौन है ज्ञानी जैल सिंह, जबकि आप वर्तमान में बताइएगा वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री आप सभी के लिए प्रश्न है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति था, तो ये भी आपका ज्ञानी जैल सिंह है, ज्ञानी जैल सिंह जो है पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम कांग्रेसी उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेसी उम्मीदवार है आपका वी गिरी हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा, तो देखिए इसमें से आपका नहीं रहा पूछा गया है, तो यह आपका आंसर डी होगा, राजगोपालचारी जी, ठीक है। अब भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनावी प्रणाली अप्लाई की थी, तो आप सभी को मालूम है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है 54 आर्टिकल नंबर, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति याद रखना। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, मात्र 2 सप्ताह, यानी कि आपका 14 दिन के अंदर, ठीक है, 14 दिन के अंतर चुनाव प्रसार हो जाना चाहिए। किसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सरल आंसर है संसद के द्वारा, संसद के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है ना, तो संसद के द्वारा पद से हटाया जाता है। ये आपको कितना नंबर नाम आर्टिकल नंबर में है, 79, संसद आपका 79 में, ठीक है। राष्ट्रपति 52, राष्ट्रपति संबंधित 52 आर्टिकल नंबर, ठीक है। और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है आपका 53 में है, जो कार्यपालिका शक्ति होती है 53 में, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा बताया 54 में, ठीक है। और 58 में आपका आ जाएगा राष्ट्रपति के शपथ वगैरह जो है ना आपका विशेषताएं, जो भी विशेषताएं हैं उनका 58 में है। सुविधा का ये संविधान है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग जो कार्यवाही की जाती है किसके शुरुआत में की जाती है, तो एक संसद के किसी भी सदन में कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके आधार पर लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है आर्टिकल नंबर 61 में, किसके आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर, तो यह आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका, कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। और आप सभी के लिए प्रश्न है, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है कौन से संविधान से लिया गया, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व कौन से संविधान से लिया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सही, USA के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अच्छा,
चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। भारत राष्ट्रपति को परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देता है किसके द्वारा? अनुच्छेद 61 महाभियोग के द्वारा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटाया जा सकता है? अभी मैं बताया ना, आर्टिकल नंबर 61, संसद द्वारा या फिर महाभियोग द्वारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 है महाभियोग या फिर संसद 79। राष्ट्रपति को कौन पद की गोपनीयता शपथ दिलाता है? तो ये आपका मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, ये आज के लिए टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं और आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखेंगे आज के बारे में। तो डेली अगर आप 30 क्वेश्चन करते हैं तो 3 महीने का, ठीक है, 30 कर दीजिएगा, यानी कि 900 क्वेश्चन आपका संविधान से हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप लोग व्यापम PSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, और मैं क्या बात करूँ, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या आएगा। राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण करता है? 58, 66, 17 या 16? आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, ए बी सी या डी, कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैं एक और क्लास ले रहा हूँ आपका कंप्यूटर का। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है, ये कंप्यूटर है हॉस्टल वार्डन के लिए और छत्तीसगढ़ है सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, समय पूछ रहे थे तो समय आपको बता रहा हूँ, 8:30, 8:30 से 9:30 रात को, और एक जो कंप्यूटर क्लास था उसको टाइम चेंज कर दिया गया है 7:30 से। ठीक है, ओके, थैंक यू।